थिंक 2 degrees है जो कि वो इंग्लिश में ऑफर कर रहे हैं। तो जब आप भी अप्लाई कर रहे थे और यहाँ फुल्डा में कर रहे थे तो आपको नहीं हुआ था कि यार किसी बड़े सिटी जाओ, मैं फुल्डा क्यों आ रहा हूँ? और बाकी मुझे यूनिवर्सिटी में भी जॉब मिल गई थी। अच्छा, अंदर ही भी ना मैंने क्लासरूम्स देखे थे ना मैंने लेबोरेटरीज देखी थी, कुछ नहीं देखा था। कोगा जाऊं तो सही था, मैंने कहा यूनिवर्सिटी तो देख लिया, क्लासरूम यहाँ पे किस तरह के होते हैं। अगर आप कहोगे ना सिर्फ मुफ्ते में रख लो, मैंने बस काम करना है, मुझे पैसों से लेना देना नहीं है, तो खुद ही इम्प्रेस होकर कहेगा यार ठीक है बच्चे को शौक है तो हम दे देते हैं। अगर आप किसी को सजेस्ट करोगे फुल्डा आए तो क्यों आए? तो फुल्डा पहुंचने के बाद हमें ज्वाइन किया जिब्रान भाई ने। जिब्रान भाई पहले तो थैंक यू, अब टाइम दे रहे हो मुझे इतना। अभी हम फुल्डा घूम रहे हैं। फुल्डा मेरे ख्याल में छोटा सिटी होगा। वहाँ पे जो जिब्रान भाई डिग्री कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी मज़े की कर रहे हैं। मैं इंटरनेशनल फूड बिजनेस एंड कंज्यूमर स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ, मास्टर्स है, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम है। बेसिकली 2 universities का है, एक होक्शुले फुल्डा है और एक यूनिवर्सिटी ऑफ कासल है। तो आप लोग जो मुझे कहते हैं ना इंजीनियरिंग के अलावा भी कुछ बनाओ तो शुक्र है मिले। असल में मसला ये होता है इंजीनियरिंग के अलावा लोग बड़े कम मिलते हैं आपको यहाँ पे, और बड़ी अच्छा मुझे लगा फूड साइंसेस पढ़ने हैं यूनिवर्सिटी। मैंने फुल्डा में सुना है बैचलर्स भी आ गया, राइट? बैचलर्स भी आ गया है, अभी आई थिंक 1 या 2 courses है बैचलर्स के जो कि इंग्लिश में ये ऑफर कर रहे हैं। किस टाइप के कोर्सेज हैं? एक हेल्थ साइंस का है और एक बिजनेस मैनेजमेंट है। ठीक हो गया बिजनेस। तो ये आई थिंक 2 degrees है जो कि वो इंग्लिश में ऑफर कर रहे हैं। नाइस, चलिए अभी हम यूनिवर्सिटी घूमते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सिटी के बारे में पूछेंगे जिब्रान भाई से। छोटा सिटी है और छोटे सिटी का बड़ा कॉन्सेप्ट है जो बैक देयर लोग हमें सुन रहे हैं कि जी जॉब्स का सीन बैड होता है थोड़ा, प्रेफर यही किया जाता है कि हम बड़े सिटीज़ में अप्लाई करें। तो जब आप भी अप्लाई कर रहे थे और यहाँ फुल्डा में कर रहे थे तो आपको नहीं हुआ था कि यार किसी बड़े सिटी जाओ, मैं फुल्डा क्यों आ रहा हूँ? यार बेसिकली मैं जब आया ना जर्मनी तो जैसे मैंने कहा जॉइंट डिग्री प्रोग्राम है, तो इससे पहले वाली जो सिटी मैं गया था ना वो फुल्डा से ज़्यादा छोटी थी। वहाँ पे मैंने 6-7 महीने गुजारे, वहाँ के जो मॉड्यूल्स थे वो मैंने ख़त्म किए, फिर मोस्टली मेरे मॉड्यूल्स जो थे वो यहाँ फुल्डा के थे। और बाकी मुझे यूनिवर्सिटी में भी जॉब मिल गई थी। अच्छा, अंदर ही मिल गई थी, सेंसरी लेबोरेटरी में मुझे मिल गई। उसमें क्या किया था आपने? अप्लाई किया था, पोस्ट भी आ जाती है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आ जाते हैं। बाकी ये होता है मुझे तो इस तरह मिली थी कि मैंने सारे प्रोफेसर्स को ईमेल कर दिए थे, इसलिए कि मैं कोरोना टाइम पे आया था ना मैंने क्लासरूम्स देखे थे ना मैंने लेबोरेटरीज देखी थी, कुछ नहीं देखा था। कोगा जाऊं तो सही था, मैंने कहा यूनिवर्सिटी तो देख लिया, क्लासरूम यहाँ पे किस तरह के होते हैं? तो वो मैं गया तो मैंने सारे प्रोफेसर्स को ईमेल कर दिया, सही है। तो वो जब हुआ, अभी मुझे याद है कि एग्ज़ाम था ओरल एग्ज़ाम, सही है, और उस प्रोफेसर को भी मैंने ईमेल कर दिया था। मैंने कहा अगर कोई स्टूडेंट जॉब हो मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, मैंने कहा अगर सैलरी देनी भी नहीं है ना, मैंने एक्सपीरियंस लेना है, सही है। और ये चीज़ बड़ी अच्छा टिप आप लोगों के लिए भी, प्रोफेसर से कोई यार मुझे सैलरी नहीं चाहिए वो आप मुफ्त में रख लो, कहेगा यार कितना बंदा मोटिवेटेड है, बट यहाँ पे रूल है कि आप मुफ्त में किसी से काम करा नहीं सकते, ठीक है? तो उसे पैसे आपको देगा वो, बट अगर आप कहोगे ना सिर्फ मुफ्ते में रख लो मैंने बस काम करना है, मुझे पैसों से लेना देना नहीं है, तो खुद ही इम्प्रेस होकर कहेगा यार ठीक है बच्चे को शौक है तो हम दे देते हैं। ये सिटी का मेन सिटी सेंटर है मेरे ख्याल है, मेन सिटी सेंटर या मैं पूछूं कि सिटी की स्पेशलिटी क्या है? इस सिटी की स्पेशलिटी सारे जर्मनी की एक स्पेशलिटी है, चर्चेस बड़े बने हुए हैं। True. सही है। अगर आप किसी को सजेस्ट करोगे फुल्डा आए तो क्यों आए? मैं तो यही कहूँगा अगर एजुकेशन पर्पस के लिए, सही है, स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो, यहाँ पे है काफ़ी प्रोग्राम्स है, सही है, जो कि अच्छे हैं और पढ़ाई अच्छी है यहाँ पे, और मेन ये चीज़ यहाँ पे है कि प्रैक्टिकल भी है। ज़्यादातर वो नहीं है कि यार बस थ्योरेटिकल ही है, किताबें पढ़नी है, कि आपको प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, प्रैक्टिकल कोर्सेज भी मिल रहे हैं। मौसम इतना अजीब सा हो जाता है, एकदम से धूप निकल रही होती है, हर दूसरे मिनट बाद फिर बारिश हो रही है, बारिश हो जाती है, तो ये वाला सीन है। अब मुझे जो लग रहा है ना सिटी, ज़्यादातर आप कहेंगे जर्मनी के सिटीज़ थोड़े सेम लगते हैं, लेकिन हर सिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है इन अ सेंस पार्ट टाइम जॉब्स के लिहाज से, कि यहाँ पे किस टाइप की जॉब्स करते हैं, जैसे आपने बताया था रेस्टोरेंट्स में। मैंने हाँ रेस्टोरेंट्स में, अब डिपेंड करता है आपको जर्मन लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, आती है किस लेवल तक आती है, नहीं आती है कितनी ख़राब आती है, सही है। तो अगर तो आपको नहीं आती है तो आपको मिल जाएगी मैकडोनल्ड में, आपको मिल जाएगी, सही है, बर्गर किंग में मिल जाएगी,
बाकी जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं आप अप्लाई करते हो, इवन मैं यही प्रेफर करूँगा सर्च पे अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाओ, डायरेक्ट पहुँच जाओ, अपना लेबल्स लाओ, अपनी CV लेके, सही है, अपना कवर लेटर अगर बनाना है सही है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जर्मन में बना लो सही है, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे आपने खुद लिखा है या किसी से लिखवाया है सही है, तो वो लेके पहुँच जाओ और मिल जाएगी सही है। एक तो ये है कि रेस्टोरेंट्स हो गए आपको, बाकी भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। दूसरा आपका अगर तो आप IT साइट पे हो या इंजीनियरिंग साइट, आई डोंट नो, लेकिन IT साइट में आपको सॉफ्टवेयर्स का पता है सही है, तो यहाँ पे है कुछ कंपनीज जो कि आपको दे देगी एज अ पार्ट टाइम या वर्क स्टूडेंट, पार्टी कोम आपको मिल जाएगा, वो एज अ गेम डेवलपर, मतलब गेम डेवलपर यहाँ पे है। अब मुझे पता नहीं है कौन सी कंपनी में है, लेकिन है, वेयर हाउसेज है, उसमें काम कर सकते हो, उसके लिए तो बिल्कुल जर्मन की जरूरत नहीं है, 11-12 यूरो पर आवर्स के उससे मिल जाती है। तो मतलब अगर आप 80 आवर्स काम करोगे आराम से 1000 यूरो आप कमा लोगे, तो आई थिंक अच्छा सीन है। नहीं सही है, आपको अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 भी ना मिले, आपको 700-800 तक मिले, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस इतने नहीं है। देखो मेन एक्सपेंसेस आपके होते हैं एकोमोडेशन के, मुझे एकोमोडेशन काफी अच्छी मिली है, मतलब मुझे बहुत अच्छी मिली है, बहुत अच्छी, मतलब 200 से थोड़ी कम मिली, 200 से भी कम मिली है, और वो भी मुझे बाय लक मिली है, बाय चांस मुझे मिली है। स्टूडेंट हॉस्टल है, प्राइवेट स्टूडेंट इन मोनहाइम है, सही 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 है। यहाँ पे इवन मेरा एक और दोस्त रह रहा है, वो आई थिंक 150 या 160 में रह रहा है, ये चेक करो लाइक फ्रैंकफर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है सिटी, लाइक एक घंटा लगता है तकरीबन आपको ट्रेन पे, जैसे मैंने दिखाया था, डिपेंड करता है लोगों की प्रेफरेंस में, आपको या प्राइवेट चाहिए ऑफ कोर्स आपको महंगा पड़ेगा, 400 तक आपको पड़ जाएगा सही है। अगर अयाशी नहीं करनी, मुनासिब रहना है, मैंने आपको कहा एकोमोडेशन, दूसरा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, वो आपको 111-112 आपको देने ही है। हाँ वो तो हर जगह की है, हर जगह की है, छोटे बड़े नहीं, बड़े सिटी में उतनी है, छोटे में भी उतनी है, तो ये आपका मेन हो गया, बाकी आप पे डिपेंड करता है। हॉकशुले फुल्डा का जो सेमेस्टर टिकट है बेस्ट है, आप यहाँ से फ्रैंकफर्ट से आगे तक भी जा सकते हो, डार्मस्टट तक भी जा सकते हो उस सेमेस्टर टिकट्स के साथ, जो स्टूडेंट्स को मिलता है, स्टूडेंट्स को मिलता है, ट्रैवलिंग में भी आपको इशू नहीं आएगा। कितनी फी कितनी होती है? असल में मेरा जॉइंट है, तो पहले मुझे अपनी जो मेन यूनिवर्सिटी वहाँ से लेना पड़ता है, वहाँ पे मैं पे कर देता हूँ। सेमेस्टर पूरी सेमेस्टर फी 294-295 इस तरह है, उसमें से आई थिंक 147 और समथिंग लाइक वो आपका सेमेस्टर टिकट है, तो वो आपको वहां से रिफंड हो जाता है, ठीक हो गया, आप इस यूनिवर्सिटी से ले लेते हो तो आपको आई थिंक 147 का पड़ जाता है, ठीक हो गया, और 6 महीने चलता है आपको, 6 महीने आपका चलता है, और इतना सस्ता है ना आपकी सोच है, क्योंकि 20 यूरो आपको आने जाने के लग जाते हैं फ्रैंकफर्ट में, अगर यहाँ आना जाना होता है आपको। आइडियल लगा है मुझे ये छोटे सिटीज़ के लिहाज से ना, अगर आप फुल्डा को प्रेफर करोगे तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये हम आपको थोड़ी सी दिखा दें, शॉपिंग मार्केट्स हैं, जैसे पाकिस्तानी भी है, पाकिस्तानी खाना तो वो भी है, हाँ पाकिस्तानी भी है, एज नेम ऑफ लाइक वो कोई जर्मन नाम है, लेकिन जब आप जाते हो तो पाकिस्तानी खाना भी आपको मिल जाता है, इंडियन रेस्टोरेंट भी है, मतलब अगर आप आओगे और घर का खाना मिस करोगे ना, तो एज सच आपको कुछ ज़्यादा बड़ा शौक नहीं लगेगा, इसलिए खाने मिल रहे हैं, हाँ चीज़ें आपको मिल जाएगी। पीछे आप देख सकते हैं बड़ा फेमस किस्म का डोम है मेरे ख्याल में, जो फुल्डा में ज़्यादा फेमस है, क्योंकि मैंने नहीं सुना था इधर उधर। फुल्डा का मेन टूरिस्ट, फुल्डा का मेन है, मतलब जब आओगे ना फुल्डा में, आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो पहला जो आपका जो सिटी टूर होगा, तो यही चीज़ है, यही दिखाई जाएगी, ये दिखाई जाएगी, सिटी टूर आप मिस कर सकते हो, हम दिखा दिए। ये क्या चीज़ है यार? ये यहाँ पे ऑफिसेज है, ये सारे बिल्डिंग्स है आसपास के सारे, ये ऑफिसेज है। अच्छा, ये मेन आपका ऑफिशियल अगर सेक्टर कहें इसे हम, छोटी है ओके, यहाँ से लेकर वहीं तक यूनिवर्सिटी है हमारा, स्टार्ट हो गया हॉकशुले फुल्डा। कितनी बड़ी है तकरीबन? यार बहुत बड़ी नहीं है, ये सारा आपका यूनिवर्सिटी एरिया है, यहाँ से ये जो ब्राउन बिल्डिंग है यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, और इधर तक ये इसके पीछे जो है,
जाता है। ओके नाइस। जिब्रान भाई ने बताया कि कोई होकशुल टाग है, डिफरेंट स्टॉल्स लगाएंगे और डिपार्टमेंटल स्टॉल्स भी लगे होंगे। वो पूरा उनका आ गया है टाइम टेबल, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये होगा पूरा आ गया है। और फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं अभी देखो वहाँ पे, ये इवन आई थिंक स्टूडेंट्स ने लगाया है। इवन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, हेल्थ साइंस भी यही पर ही है और बाकी लेबोरेटरीज आपके फूड साइंस लेबोरेटरीज हो गई, सेंसरी लेबोरेटरीज आपकी हो गई, बाकी जहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हो काफ़ी लैब्स वगैरह जो है नेक्स्ट लेवल लेबोरेटरीज है, मतलब रियली ऑनेस्ट अच्छी लेबोरेटरीज है। बाकी आपका वो रोबोटिक्स कुछ वो है, वी आर वो लगा देते हो, वो वो है केमिस्ट्री के कुछ है, फिजिक्स के भी है। तो आप लास्ट में चेकआउट कीजिएगा फुल्टा में कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। हाँ इवन वो अभी हम स्टूडेंट अफेयर्स जाके वहाँ से प्रोस्पेक्टस भी ले आते हैं, देख लेते हैं वहाँ पर पूरा हम देख लेते हैं, थोड़ी बहुत जर्मन सीख लें और फिर इस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा था, हेल्थ साइंसेज का? इंटरनेशनल हेल्थ, इंटरनेशनल हेल्थ साइंसेज। क्या रिक्वायरमेंट थी जर्मन की लिखा और मेंशन किया? सिचुएशन गुड इंग्लिश ऑन इन पाइश डॉइच, थोड़ी बहुत कह रहे हैं डॉइच हो लेकिन इंग्लिश ज़्यादा मेन फोकस किया हुआ। वो आपको यहीं पर ही करा देते हैं। हेल्थ न्यूट्रिशन भी है आपका, मास्टर में है आई थिंक सो। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर यूनिवर्सिटी में इस टाइप का नोटिस बोर्ड होता है और यहाँ पे जॉब्स भी लगी होंगी, देखें आप 450 यूरो जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स आईटी में, हाँ यहाँ भी है डायरेक्ट, इवन आप कॉल करके उनसे चले जाओ, सारे जॉब्स इवेंट्स का 18 से 25 यूरो आपको दे रहे हैं पर घंटा ना खिलफे का। वाह, ये चेक करना चाहिए जब भी आप यूनिवर्सिटी में आना। और ये बड़ी ईजिली अवेलेबल होती है क्योंकि लगाई स्पेशली इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होती है। इवन रेस्टोरेंट के जॉब भी होते हैं, हाँ स्टूडेंट जॉब, एक स्टूडेंट आपका हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है आपके यहाँ से। ये सारा मेंजा एरिया है, खाने वाने का सीन यहाँ पे। ये भी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है? हाँ ये भी यूनिवर्सिटी के, और ये भी सारे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट। अच्छा लाइब्रेरी है। फिर इशू करवाई है कभी आपने? दो दफ़ा कराई थी मैंने, कराई थी। पिक्चर भी है मेरे पास, मैं झूठ नहीं। 1.3 जर्मन ग्रेड में जीपी है तो इजी नहीं लेना भाई को। प्रोफेसर पहले ही पीएचडी ऑफर करने लगे हैं, कह रहे यार तू कर ले। सेमेस्टर टिकट वगैरह सारा यहीं से मिल जाता है, ये सामने से आपको मिल जाता है। हाँ सेमेस्टर टिकट, सेमेस्टर फी जब आपको देनी होती है, बाकी भी सारा कुछ आपको यहीं से हो जाता है। ठीक है, मतलब ये मेन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सारा सपोर्ट के लिए सारा। अच्छा एक जो हमारा था ना कि छोटे सिटी में जर्मन नहीं आती तो बहुत मसले होंगे, वो भी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर तो आपको खैर मसले नहीं आएंगे। यूनिवर्सिटी में तो आपको बिल्कुल मसला नहीं होगा, इसलिए कि जितनी भी फैकल्टी है और मोस्टली यहाँ पे जो फैकल्टी है मतलब इंटरनेशनल भी है, तो आपको बिल्कुल मसला नहीं होगा। लाइब्रेरी जाओगे ना जाओगे, इवन जब आप कॉल करते हो स्टूडेंट आपको कोई मसला होता है, आईटी का मसला होता है, वाईफाई का होता है, किसी किस्म का भी मसला, तो आपको इंग्लिश में ही डील करते हैं। अगर आप आती होती है स्पेशली जो नई नस्ल है ना जर्मन की, उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, बड़ी परफेक्ट। हाँ इवन आप अभी यहाँ पे मैं गारंटी दे सकता हूँ, यहाँ पे आप किसी बंदे के पास जाओगे इंग्लिश में बात करो तो वो इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करता है। और ऐसे नहीं कि अड़के बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, काफ़ी अच्छी इंग्लिश होती है उनकी। फुल्डा का हमारा यूनिवर्सिटी टूर था, आपने एग्रीकल्चर के बारे में अभी हमारा पॉडकास्ट आएगा अब वो देखिएगा, और हम चाहते हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी लोग बाहर निकलें, और अगर आपको लगता है कि बाहर पॉसिबिलिटीज नहीं है तो गलत है, क्योंकि मिसाल आपके सामने खड़ी है एग्रीकल्चर यहाँ पे पढ़ने में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं एग्रीकल्चर, फूड साइंसेज, फूड साइंस रिलेटेड। हाँ तो इंशाल्लाह पॉडकास्ट अगली वीडियोज़ में आप देखते रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।